ठीक ही है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि भाई हमें यहाँ पे चीज़ों को अनरैप करना था, हमने यहाँ पे अनरैप करने की तो उसे एक छोटी सी टेक्निक रखी, ऑल टच किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया, मेरे पास काफ़ी चीज़ हम लोगों ने अनरैप कर लिया था, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन है ऑन ऑफ करके हम लोग मैनेज कर लेते हैं यहाँ पे। यू विश टू सेल ये देखो, आपको हाई पॉली कैसे अरेंज करना है, हाई पॉली मॉडल को आपको अनरैप करना आना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैं इससे मूव करके चले जाऊँगा। अभी देखो कभी हाई पॉली में ऐसा होता है कि मूव में भी थोड़ा टाइम लगता है क्या पे। आप यहाँ से भी देखा सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया आपने यहाँ पे, देन फिलहाल में आप इसको सही में रख दो यहाँ पे। मेक श्योर जितना हाई पॉली मैस होगा ना वो तो मूवमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे पॉलीगन हैवी होते हैं ना वैसे यूवी से वाली चीज़ हैवी होती है, तो ये थोड़ा सा नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया यहाँ पर दिस वन, ये कहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है, ठीक है। फोर प्रेस करोगे आपको देखिएगा, अच्छा ये इधर का पार्ट है, ये पार्ट हमने यहाँ पे किया, फोर एंड फाइव, जैसे मॉडल हैवी हो जाता है वैसे हम मॉडल की बात यूवी निकल जाती हैवी हो जाता है, तो चीज़ें अगर हैवी हो जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा गया यहाँ पे रोटेशन दिया मैंने जगह पर, चलिए मैनेज कर देना क्या भाई, ठीक है। आप ऐसे रोटेशन दे सकते हो, ऐसे रोटेशन दो, यहाँ पर भी आपको रोटेशन का ऑप्शन है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर अनलाइन भी मिलेगा आपको, यहाँ पर अनफोल्ड भी मिलेगा यहाँ पर, जैसे स्ट्रेटन सेल है, स्ट्रेटन सेल में अगर देखो यहाँ पर अगर ये स्ट्रेट हो जाए तो वैलेंट गुड है यहाँ पे, ठीक है। इन चीज़ों का देखो यहाँ पर ये अगर वर्क करना चाहिए, अगर प्रॉपर वर्क करें वैलेंट गुड है। जैसे सेलेक्ट करो टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पे स्ट्रेट किया यहाँ पे, ये क्वेश्चन चेक करना क्या, क्योंकि कई चीज़ें हो ये चीज़ मैंने यहाँ पे मैंने एक्टिव किया, आपका आराम से स्ट्रेट कर दिया यहाँ पर, तो फिर मेरी टेंशन की बात नहीं है, ठीक। अभी मैं एक काम और भी करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास थोड़ा हैवी लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और इजी करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सेलेक्ट किया एडिट को मैं डिलीट हिस्ट्री कर दिया मैंने, शायद थोड़ा सा भी देखें कि अगर मैं बच्चों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्या किया यू इज टू सेल कर दिया मैंने यहाँ पर स्ट्रेट सेल, देखिए ना ये मेरे को बहुत ईजी वे में ये सीधे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनफोल्ड इन चीज़ को तो आपको अच्छे से समझना है, ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में पावर्ट मूव रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन कर देंगे तो आप यहाँ पे रोटेशन आप देख पाओगे अपने यहाँ पर, तो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपका समय। डबल क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि गन करके मैंने एक ट्यूटोरियल बना के डाला है, उसको आप थोड़ा सा पढ़ोगे, उसके अंदर मैं बहुत डिटेल में मैंने अलग यूवीज के बारे में बताया कि भाई कैसे अनरैप करें, किस तरह से काम करें, ठीक है। इन का छोटा सा एक पार्ट यू भी मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पर चीज़ को कैसे मैनेज करें, तो मैं कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अभी चीज़ को आप देखिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ें क्या है कि इनको मैं एक पार्ट में एक साथ में मैं इकट्ठे कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, देखो कहाँ पर सेलेक्टेड है, ठीक है। ये जो पार्ट आपको देखो सी दिस इज कॉल योर सीम, ठीक है। मैंने सेव करके मोबाइल सीव कर दिया, अपना जुड़ गया, तो यहाँ से अगर मैंने सिंपल सा क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे किया, मैंने कहा मोबाइल सीव तो जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे इधर भी आपका स्कूच पार्ट है यहाँ पे, देखो यहाँ तक का पार्ट देखो यहाँ पे, तो यहाँ तक के पार्ट में देखो कहीं पे कुछ कुछ चीज़ देखो लगे मोबाइल सीव किया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ का पार्ट देखा यहाँ पे, तो ये इसका पार्ट यहाँ पर है। अब ये चीज़ें जोड़ना नहीं है, जोड़ने के लिए सबको इक्वल रखना जरूरी है, बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक फंडा समझ में आना चाहिए। देखो ये पार्ट कहाँ पर तो सेल कर दिया, ठीक है। कहीं ना कहीं फोर प्लस को देखा यहाँ पर ये अंदर का पार्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ये पार्ट यहाँ का है, ठीक है। फोर एंड फाइव ये कहाँ जुड़ेगा, देखो यहाँ पर ये जुड़ना का है, एम पर देखो यहाँ पर सेलेक्ट करो मूवमेंट सीव कर देखो तो आपके पास यहाँ पर जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर यहाँ का पार्ट दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई मुझे यहाँ पर चीज़ को थोड़ा जोड़ना है मूवमेंट सीव कर देखो सब जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पर अभी इन चीज़ों को मैं यहाँ पर नॉर्मली अगर मैं कहूँ तो मैंने क्या किया यू वी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे और मैंने कहा ओके डू वन थिंग डू वन सी वही चीज़ मेरे यहाँ पे ख़राब हो गई। मैं एक बार अंडू करता हूँ, उसको मैंने क्या किया थोड़ा सा पार्ट है यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं कैसे ईजिली कैसे मैं जोड़ सकूँ, ये थोड़ा सा देख देख के जोड़ना पड़ेगा। ये पार्ट मैंने यहाँ पे थोड़ा जगह बना दिया यहाँ पे,
ही विश टू सेल ये पार्ट यहाँ पे गए, ठीक है, एजिस पे गए और मोबाइल सेव कर दिया। यहाँ से मुझे इसको डिसलेक्ट कर देना, इस पर नीचे आना, ये मोबाइल से, ठीक है, यू विश टू सेल, देन मैंने यहाँ पे क्या किया, अनफोल्ड कर दिया, यहाँ पर अनफोल्ड बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा नहीं, ये भी नीचे मुझे यहाँ पे अभी अनफोल्ड के भी एक दो वराइटीज देने हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। अनफोल्ड हो गए, अनफोल्ड पे यहाँ पे गए, यहाँ पे मैंने क्या किया, लेगेसी में वो टाइप करके देखा, यहाँ पे सही खुलना चाहिए, देखो मुझे ये सही खुलेंगे तो वैल्यू मिल जाए, अगर सही नहीं खुल रहा तो मुझे यहाँ पे अपने काम को थोड़ा ईजी रखेंगे, देखो ये मैंने क्या, ये अनफोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पर, बहुत बढ़िया नहीं दिखा। तो अभी अभी सोचते अगर हमने ये सब स्टेप लिए इस सब में मुझे बहुत सेटिस्फैक्टरी इम्पैक्ट नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैंने छोटा सा ऑप्शन है समझना क्या, एजिस में इनको सबको मैंने क्या कर दिया, सेलेक्ट किया एंड शिफ्ट एंड कट कर दिया, मेक श्योर समझना, ठीक है, शिफ्ट एंड कट किया, यहाँ से ऐसे कर दिया डिसलेक्ट एंड शिफ्ट प्रेस करके मूवन से हो, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक सब कुछ बहुत बड़े जोड़ गया यहाँ पे। ये मेथड होता है क्या लोगों यहाँ पर, ये मेथड को अगर आप समझ जाओ तो देन आप कभी भी लाइफ में कभी यूवीज में फंसोगे नहीं। ये जोड़ दिया मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, मेक श्योर थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे, अभी देखो यहाँ से मैं देखो जोड़ने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड ये भी है और कनेक्टेड ये भी है, ठीक है, अनवांटेड चीज़ें यहाँ पे जो दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे, मेक श्योर मूव एंड सेव करना है पे, देखो कुछ एक्स्ट्रा देखना, अभी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर है और कहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये दो इन सभी पार्ट को आप यहाँ पे आराम से मूव एंड सेव जुड़ जाएगा। यही समझने वाली बात है कि अगर आप यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करते तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पर, देखो यहाँ का पार्ट कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये पार्ट यहाँ का सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देखो एजिस एजिस कोई वो छोटे वाले को सेलेक्ट नहीं होता, तो आप ऐसे करके शिफ्ट में कट कर सकते हो, देन इसको मैंने यहाँ पे यूवी टू सेल कर दिया। जितना अच्छा आप यूवी कट कर दो उतना ज़्यादा बेटर है, आप अंडरपिंग आपको अच्छा करना है तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आप ये पार्ट है बस, ये पार्ट कहाँ का देखा पे पहले तो सो ये इधर का पार्ट है यहाँ पे, ये जोड़ने वाला कहाँ का, कहाँ पे जोड़ सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जोड़ सकते हैं, देखो यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ से मोबाइल सेव कर दिया तो बस ये पार्ट यहाँ पे जोड़ जाएगा। देखिए भाई पहले लगता है आपको बेसिक्स पता है तो आप यहाँ पर चीज़ों को आराम से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करूँ, यू विश टू सेल अनफोल्ड करके देखे यहाँ पे, खुलता नहीं खुलता, ओके, बहुत ऐसे मतलब इसको मुझे लगता है कि एक दो मुझे सिम कट करके देना पड़ेगा यहाँ पे। अभी यहाँ से पूरा पार्ट यहाँ पे मुझे नजर आ रही है, मुझे कहाँ से कट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हॉश पहुँचाते हैं यहाँ पे, क्या डबल क्लिक करें यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट आपको यहाँ पे देखे तो आपने यहाँ पे क्या किया, इसको आप यहाँ से ये पार्ट आपने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ से डबल क्लिक किया यहाँ पे, समझ लें क्या यहाँ पे, ठीक है, प्रोग्रेस कर दिया, अभी मैं लाइन कर दिया यहाँ पे, बस शिफ्ट एंड कट कर दिया। अभी देखो यहाँ से ये मीन्स टू सेल देन अनफोल्ड, अनफोल्ड करके देखो आप यहाँ पे, जब तक ये खुलेगा नहीं तो आप कितना बढ़िया खुल जाएगा आपके यहाँ पर, आपको यहाँ तो समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, अनफोल्ड किया मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया खुलेगा यहाँ पे, देखिए अभी अगर आपने सीम से ही बनाया तो इसे खुलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ आया कि मैं सीम से ही है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये पार्ट है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये बस पार्ट कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, मोबाइल सीव जोड़ दो, जोड़ जाएगा आपके यहाँ पे, मोबाइल सीव कर दो आप यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे, ठीक है, सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मोबाइल सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक मेरे कहा यू विश टू सेल देन अनफोल्ड कर दो, ये खुलता रहेगा अपने आप, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से कहाँ पे गया, यहाँ पे गया मोबाइल सेव करता है यहाँ पे, देखो मोबाइल सेव, ये देखो आराम से तसल्ली से आप देखोगे यहाँ पे, ये यहाँ पे जोड़ो, ये जीपीएस करता है यहाँ पे, और भी कुछ बचा, ये ना
पूरा हो गया यूवी टू सेल देन अनफोल्ड फ्लैट खोल देना। आपने यूवी को मेहनत की तो आपको टेक्सचर में ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं होगी। जो कितना बढ़िया बढ़िया खोल के यहाँ पे एजेस में गए, देखो ये एजेस दिख रहे हैं यहाँ पे, एजेस में गए यहाँ पे, ये एजेस है मेरे पास यहाँ पे। तो कैंसिल यहाँ पे फोर एंड फाइव यहाँ देखो यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ का है ठीक है। मुझे अगर यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे जोड़ना है तो मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ से इतनी पार्ट को सिलेक्ट करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था ठीक है। दिस इज गुड मोवेंस यू आएगा यहाँ पे ठीक है। ये वो पार्ट में बस कहाँ पे, वो पार्ट यहाँ पे देखा है ओके, मोवेंस यू करके देखा यहाँ पे बहुत कुछ आ जाएगा। तो हमें यही लेके जाना कि मैं यहाँ पे कितनी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकूँ यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो मोवेंस यू क्या आने वाला है, ये पार्ट में बस यहाँ पे कहाँ का पार्ट है ये देखा। तो भी इन चीज़ों को थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा। मैं अगर यहाँ पे देखूँ मेरे पास यहाँ का पार्ट है ना, तो ऐसे चीज़ों को स्विफ्ट एंड कट करो, फिर यहाँ पे जितना आ सके मूवेंसी कर दो जितना हो सके यहाँ पे, वो देन रिलैक्स होकर यहाँ पे थोड़ा सा अनफोल्ड करो। ये आप चीज़ यहाँ पे दिखे यहाँ पे ऐप सेलेक्ट है एजिस पे गए मोवेंस यू गए कहाँ जोड़ रहा है कौन सा पार्ट कहाँ जोड़ रहा है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ बताया छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पे देखो हैवी हाई पॉलीमॉल की ये तो सी प्रॉब्लम रहेगी। आप छोटे छोटे पार्ट को आपको जोड़ना पड़े लोग कहाँ कहाँ पे चाहिए कहाँ कहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे। तो इन चीज़ को थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट कहाँ का है यहाँ का है ठीक है। एजिस सेलेक्ट करें यहाँ पे मोवेंस यू देखो यहाँ पे गए मोवेंस यू ओहो ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे हाई वैल्यू मॉडल को मैं कैसे मैं यहाँ पे अनलॉक कर सकता हूँ यहाँ पे मेक श्योर ये देखो यहाँ पे ये कहाँ का पार्ट है यहाँ पे मोवेंस यू। बहुत छोटे छोटे पार्ट है आपके थोड़ा सा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे ठीक है। यू वीज टू सेल देन अनफोल्ड तो ये ऐसा नहीं चाहिए देखो, जब ऐसा खराब हो जाए तो फिर अंडो करो। हमें यही पता होना चाहिए कि किसी जगह पे क्या काम करना है, किस जगह पे क्या हो सकता है। अनफोल्ड सॉरी बहुत अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो मुझे यहाँ पे लाइक इनको लाइक थोड़ा सा अंडू और करना पड़ेगा। ये समझना है कि किस जगह पे क्या काम करेगा, हमें हर चीज़ का ड्रॉबैक देखना पड़ेगा यहाँ पर। ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है। ठीक है अभी देख तो मैं पे तो छोटे छोटे पार्ट को मैं काम करता हूँ, इनको भी पकड़ के मुझे जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या पार्ट है मेरे पास यहाँ पर। देन यूवीज टू सेल यहाँ पे जहाँ जहाँ पे बस बॉर्डर है ना यहाँ पे, इन बॉर्डर पे ये पार्ट ये ऑटोमेटिक देखो अलग हो चुका है यहाँ पे। अभी ये अगर अलग हो गया तो मैं यहाँ पे क्या जोड़ने वाला हूँ देखो समझना। ये सिलेक्ट किया कहाँ दिख रहा है ठीक है। अभी अगर आप यहाँ से मैं ये फेसेस में सिलेक्ट करूँ, मैं ये फेसेस में देखे यहाँ पे एफ प्रेस कर दो फोकस से देख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं अगर मैं मैनेज करूँ तो भाई मुझे यहाँ पे जोड़ना है तो मैं यहाँ पे जोड़ सकता हूँ, वो आराम से यहाँ पे देख जाएगा आपको यहाँ पे देखो ये यहाँ का पार्ट है मेरे पास यहाँ पे ठीक है। मूवेंस यू ये पार्ट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ठीक है। मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ, मूवेंस यू कर दिया मैंने उन चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ठीक है। यू टू सेल देन अनफोल्ड यहाँ पर मैंने कर दिया यहाँ पर ये अनफोल्ड में जैसे यहाँ पे ऐसा खुल गया इट मीन्स वॉट मुझे यहाँ पे थोड़ा और देखना पड़ेगा यहाँ पर भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है भाई हाई पॉली मॉडल के साथ। ठीक है इन चीज़ को मैं तो यहाँ पे मूवेंस यू करते हुए देखो
अभी यू वी टू सेल देन अनफोल्ड अनफोल्ड करके थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो मैं बस ऐसे सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने स्ट्रेट सेल कर दिया यहाँ पे। धीमे धीमे आपको चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, भाई मुझे यहाँ पे क्या करना है, रोटेट करना है तो मैं रोटेट करके भी दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ों को तो समय अगर ऐसे मैं मैनेज करूँ यहाँ पे स्ट्रेट सेल, ठीक है, ये एक बार क्रॉस चेक करना है, तो छोटे छोटे पार्ट हैं, ठीक है। देखो ये कहाँ कहाँ के जितने पार्ट देखे यहाँ पे, इन सभी पार्ट को मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, जो मुझे देखना है भाई मेरे पास कौन कौन से पार्ट है जहाँ पे मुझे देख सके। जैसे ये पार्ट देखे यहाँ पे, चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे, जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, देखो ये पार्ट दिस वन, ये पार्ट में बस यहाँ का, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, तो पहले इस वाले पार्ट को पहले पकड़ के मैनेज कर देते हैं मेरे पास ये पार्ट कहाँ का हो सकता है, ठीक है, कैसे जुड़े। तो ये मैंने फेसेस यहाँ से सेलेक्ट कर दिया, मेरे फेसेस क्या है, या फोकस यहाँ पे कर लो, या इसको पकड़ के आप यहाँ पे जोड़ना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मूव एंड सेव कर दो, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मूव एंड सेव कर दो, ठीक है। अब ये आपका पार्ट है, अब देखो मूव एंड सेव जुड़ जाएगा, ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अनफोल्ड में आके अनफोल्ड यहाँ पे ये मैनेज कर दोगे तो अपने आप यहाँ पे अरेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगे यहाँ पे। चीज़ अगर आप मैनेज करोगे तो बहुत बढ़िया आपके यहाँ पे चीज़ें दिख जाएंगे, भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, कैसे क्या अरेंज करना है, ठीक है। अरेंजमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे कोई भी चीज़ में कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसे मैंने ओपन कर लिया है, मतलब कि ओपन है तो मेरे लिए बहुत ईजी है, ठीक है। मुझे लगेगा बाद में मुझे कहीं भी जोड़ना है कुछ ऐसे मैनेज करना है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। डिविंग टू सेल देन अनफोल्ड यू देन अनफोल्ड वी, ये ध्यान देने के तो अपने आप ही चीज़ अरेंज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। देन अनफोल्ड एक बार ऐसे करके देखो तो ऐसे करके दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो चीज़ मेरे पास यहाँ पे दिख रही है, मैं तो अगर मैं ऐसे अरेंज करता हूँ तो यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पर, सीधे सीधे अरेंज कर देना। देखो हाई पॉली मॉडल भी अंडर कनेक्ट पार्ट है, आप कैसे मैनेज कर सकते हो, किस टाइप चीज़ों को मैनेज करना है, ठीक है, और अगर आपको डील करना है तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे अगर लगे कि मेरे पास बहुत सी चीज़ें चिपक रही है तो आप यहाँ पे कट भी करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। चलो हम लोग यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज किया, देखो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट को पकड़ लेते हैं यहाँ पे, उनको बाद में एक बार देखेंगे। ये पार्ट मेरे पास कहाँ दिख रहा है, ये अजीज है मेरे पास यहाँ पे, अजीज मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव एंड सेव कर दिया यहाँ पे, अपने आप आ जाएगा आप कुछ फिर ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है देखो यहाँ पर, ठीक है। ये पार्ट आपके पास कहाँ पर गया, देखो ये पार्ट कहीं से कट नज़र आ रहा है, मूव एंड सेव कर दो, जोड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये ऐसे ऐसे तौर से पार्ट को मैनेज कर लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा यहाँ पर भी। ये पार्ट देखो यहाँ पर, ये पार्ट का आपका यहाँ का है, इनको आप चाहो इनको आप अलग से भी डील कर सकते हैं। देखो पे यहाँ से मैं देखो यहाँ पर मैंने इतने पार्ट को सेलेक्ट किया, मेरे पास यहाँ पे कहाँ गए, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये सारे पार्ट यहाँ के, ठीक है, तो मैं इनको मैंने पकड़ा, मैंने कहा क्या क्या यू वी टू सेल ये दूर जा रहा है, मुझे लगता है अगर इसको मैं ऐसे भी रख लूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे एडजस्ट पे गया। अब यहाँ पर स्टेट रखना तो स्टेट रख लो, अलग रखना अलग रख लो, ठीक है। ठीक है, फोर प्रेस करो आप यहाँ पे, फोर में देखिएगा आप कैसे यहाँ पर, ओके यहाँ तक का पार्ट है, मूव एंड सेव यहाँ पे देख लेना, ये पार्ट में बस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये पार्ट में बस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे करके भी देखो यहाँ पे, अच्छा इधर का पार्ट है, आप इधर देखो यहाँ पे क्रॉस चेक करो, ठीक है, पूरा का पूरा पार्ट आपके यहाँ पे जाएगा, देखो ठीक है, आप अनफोल्ड अनफोल्ड कर लो, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट का है, तो आप इसको भी आप ऐसे क्रॉस चेक करके आप करो, मूव इसे कर दो, अपने आप आ जाएगा, देखो कहाँ गया,
नया भी देखें यहाँ पे, कुछ कुछ यहाँ पे अलग से जुड़ी हुई है यहाँ पे, ये देखना है कि यहाँ पे कई चीज़ में बस अनवांटेड चीज़ यहाँ पर लग गया, जुड़ गया, तो मैं यहाँ पे ऐसे मैंने कट करके मैं अलग कर दूँगा यहाँ पर। यू वी टू सेल, ठीक है, यहाँ पे गए एडिट डिलीट हिस्ट्री करते हैं ना, ताकि वो थोड़ा सा आपका अनफोल्ड वाला पार्ट ठीक रह जाए। बहुत ज़्यादा हम लोग स्टेप जब यूज़ करते तो क्या होता है कि बहुत हैवी हो जाता है क्या, तो सर अब देखो इनको या तो मैं ये पार्ट पर से यहाँ पर अभी या तो मैं इसको इसके बराबर मैं स्केल कर लूँगा, या इसको देखो यहाँ पर ये आई रहा इतना देखो यहाँ पर देखें, ये इसके आसपास हमें यहाँ पर मैनेज करके चलना पड़ेगा यहाँ पर। वही मैं अगर इसको मैं अगर ऐसे मैं मैनेज करता हूँ तो मैं बस यहाँ पर चाहिए बेटर दिखे यहाँ पर, देखो ये काइंड ऑफ मैंने यहाँ पर सेट कर दिया, मेरे पास अभी इतने सारे पार्ट बचे हैं देखो। अभी ये जो पार्ट मैंने लिया इसको मैं यहाँ पर उठा कर रहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे सिक्स प्रेस करोगे आपको चेकर्स देखे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या देखें यहाँ पे आर प्रेस करो तो ये देखो छोटा देखिए आपके यहाँ पे, तो अभी कितना बड़ा करना है ठीक है। प्लस में स्टेट सेल करके यहाँ पर देखिए ठीक है, स्टेट एंड यूवीज करके एक बार ट्राई करें, स्टेट यूवीज हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, थोड़ा टाइम लेगा क्या, थोड़ा टाइम लेगा तो चाहिएगा तो मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे कि चलो लेट्स सी। हाई पॉली मॉडल आप जैसे डील करना स्टार्ट कर गए ना तो फिर आपका काम हो जाएगा, ऐसे जैसे हम लोगों ने वो बैरल वाला काम किया था, बैरल में हम लोगों ने लो पॉली कन्वर्ट करके फिर हाई पॉली बना के काम किया। कई जगह इंडस्ट्री में गेमिंग में काम करते हो तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है, आपको लो पॉली कन्वर्ट करना पड़ता है, हाई पॉली को बेक करना पड़ता है, लेकिन कई जगह प्रोडक्शन ऐसा था हाई पॉली कन्वर्ट करके टेक्सचर करना होता है, तो ये वो मेथड है जहाँ प्रोडक्शन में हाई पॉली आपको मॉडल करके अनरैप करके फिर टेक्सचर करना पड़ता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। मैंने भी अनफोल्ड स्टेट एंड यूवीज का मैंने काम करा अभी, देखो ये अभी हो गया ठीक है। अभी होने पे मुझे यहाँ पे क्या चीज़ें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ध्यान देने के, बहुत सी चीज़ें स्ट्रेच रहेंगी ना वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँ तो मुझे यहाँ पे अनफोल्ड यू करके देखूँ तो अनफोल्ड यू तो मैंने वी करके देखा था, मतलब ऐसे करके मेरे पास थोड़ा सा काम हो सकता है क्या। अगर देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा अभी कट कर दूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो मैंने किया यहाँ से सिर्फ इतने ही पार्ट कट करना हो यहाँ पे सेफ्ट एंड कट, तो ये अभी खुल पाएगा यहाँ पे, खुलेगा क्या, अनफोल्ड अनफोल्ड क्या मैंने अभी तक खुल जाएगा ऐसे। अगर लगे बाई चांस मुझे अगर ऐसी कोई नीड है तो मैं यहाँ पे जोड़ने के लिए जोड़ सकते हैं कि यहाँ पर देखो कुछ ऐसा लगे ना मुझे यहाँ पर अगर थोड़ा सा नीड है कट करने की तो इतने दूर में मैं कट करके भी मैं ऐसे में मैनेज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ तक क्या ना भाई स्विफ्ट एंड कट यूवीज देन अनफोल्ड, ये तो अगर ऐसे लगे तो ऐसा खोलने के लिए इट्स ओके। ये देखो कुछ चीज़ आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे इतने कुछ चीज़ बहुत आपका बढ़िया काम करें यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्या, ऐसे करके आप मैनुअल एडजस्ट कर सकते हो आप यहाँ पर, देखो ये भी एक मेथड है। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर नंबर चेक कर सीधे आ रहे हैं तो मेरे पास ये नंबर उल्टा आ रहा है, तो इट मीन्स वॉट टू सेल ठीक है, यहाँ पर रोटेशन रोटेशन ये ऐसे दे सकते हो आप, यहाँ पर नंबर उल्टे हैं तो मैंने यहाँ पर क्या किया ये एक दो ऐसे करके मैंने डब्लू प्रेस किया और देन यहाँ पे देखा था नंबर सीधे हो गया। ये ध्यान देना पड़ता है कि ये आर्टिस्ट को भाई है नंबर्स ऐसे सही है ताकि चीज़ सही देखें यहाँ पे कनेक्टिविटी एंड ऑल दोस थिंग, ये देखो यहाँ पर अभी ये छोटे छोटे पार्ट का एक बार धोआ था जल्दी से हम लोग पकड़े छोटे छोटे पार्ट में, क्या देखो यहाँ पे अभी अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज करूँ फोर प्रेस कर दूँ यहाँ पर फोर प्रेस करने में मेरे सी पूरा पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, अभी ये जो पूरा पार्ट है ये पूरे पार्ट को अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो बस कहाँ गया पार्ट ठीक है, दिस वन मैंने यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ से डिसलेक्ट कर दिया, बस ये पूरा पार्ट देखा यहाँ पे, तो देखो सिलेक्शन का भी मेथड समझना क्या, देखो यहाँ पूरा पार्ट मैंने यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है, मूव कर देखो ये पार्ट में बस यहाँ का है, तो मैं इसे यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, किधर जोड़ा ये ध्यान देना क्या,
यहाँ पे देखो 4 और 5 यहाँ पे, ये यहाँ से मैंने जोड़ दिया, यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ओवी सी करके देखो यहाँ पे ये जुड़ गया आपका यहाँ पे, तो ये भी देन अनफोल्ड देन आर फॉर इसके, ये मुझे इसके साइज़ का तो बना के रखना ही पड़ेगा ना कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है तो मैंने ऐसा कुछ किया, तो एटलीस्ट इतना बड़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है, अब ये देखो ये कहाँ का है, ये पार्ट आपका पहले यहाँ देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने पार्ट को मैंने डिसलेक्ट कर दिया, यहाँ से डिसलेक्ट कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ये पार्ट में बस अभी ये पार्ट में बस यहाँ के जुड़ने बाकी हैं। ठीक है, ओके, कहाँ पर जुड़ेंगे, इधर जुड़ने वाले हैं। मैंने कहा भाई चले काम कर यहाँ से, और यहाँ के मैंने फेसेस को सेलेक्ट कर दिया, फेसेस कौन से, ये पार्ट यहाँ पे, तो मैंने एक तो सबसे पहले इस वाले पार्ट को सबको कट कर दिया मैंने यहाँ पे, दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे का एक काम किया मैंने यहाँ से लिया यहाँ पे। ठीक है, देखना कहीं सिलेक्शन बचा तो नहीं है, मूव इन सेव करके देखो यहाँ पे, इधर से कुछ कुछ पार्ट नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे अपने क्या क्या मूव इन सेव कर दिया अपने यहाँ पे, मेक श्योर ये तो पार्ट यहाँ से, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट को छोड़ना नहीं क्या, जो भी अच्छे आर्टिस्ट होंगे वो इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे। देखो आपका मूव इन सेव, मूव इन सेव, ओहो ये देखना कहाँ जा रहे हो, और कहाँ मूव इन सेव कहाँ गया, इधर, तो मुझे अभी इधर वाले पार्ट को डिसलेक्ट कर देना पे, मूव इन सेव, ये देखो ये भी ध्यान देना, यहाँ पे देखना पे ये इधर डिसलेक्ट कर दिया मूव इन सेव, फिर इधर से ये भी डिसलेक्ट करना है, ये क्रॉस चेक करना है कि देखो अपने आप जुड़ जाएंगे यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट तो ऐसा अभी कभी कभी आपको परेशान कर सकते हैं आपको यहाँ पे, तो ऐसे अपने छोड़ दिया देन मूव इन सेव, यहाँ पे देखो एक को छोड़ दिया यहाँ पे मूव इन सेव कर दी, देन देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग कर दिया अनफोल्ड, ये काम खत्म। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अभी ये कहाँ गया, ये यहाँ का पार्ट है, ये कहाँ का पार्ट है, ये यहाँ का, ये यहाँ का पार्ट है, तो आप यहाँ से ऐसे ही करके तो बहुत, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, देखो कुछ कुछ चीज़ें, ये देखें ये पार्ट में बस यहाँ पे मैजिस पे गया एंड मूविंग से, मेक श्योर देख लेना कि भाई कहीं पर जुड़ रहा है तो सही जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा, नहीं तो फिर ऐसे करके देख रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे अगर जोड़ना भी चाह रहा है तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, एक को पकड़ता हूँ, इसको डिसलेक्ट कर दे, इससे जोड़ दे, तो ऐसे जोड़ जाए, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ये पार्ट मैंने यहाँ पर लिया, तो ये पार्ट में बस यहाँ से मैं किसको कहाँ पर जोड़ सकता हूँ, ये ऐसा है क्या, तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़े, है ना, तो अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि मैं यहाँ पे जोड़ सकूँ यहाँ पे, इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, ठीक, और यहाँ पे देखो यहाँ के कुछ एक पार्ट मुझे लगते हैं यहाँ पे शायद जुड़े हुए हैं, तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैंने क्या क्या कट कर दिया मैंने, तो यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया, और यहाँ से मैं चीज़ों को सर्च करता हूँ पे, तो मूविंग से ये देखो ये यहाँ से उठ के कहाँ चला गया, इधर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ मेरे पास जो सीम है मेरे पास यहाँ पे, ये सीम मुझे यहाँ पे देना था, जो मेरे सीम यहाँ पे एक्स्ट्रा देखा यहाँ पे, डबल क्लिक किया पे, तो शिफ्ट एंड कट सेलेक्ट किया मूविंग से ये चला जाएगा आपका सॉफ्ट, तो कभी कुछ चीज़ अगर एक्स्ट्रा आ भी गया तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो आप। यहाँ पे गया मूविंग सेव किया, ये देखो यहाँ पे देखें यहाँ पे, यहाँ पे गए मूविंग सेव कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो तो ये पूरा का पूरा कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे दे दिया, भाई मुझे यहाँ से ऐसा कुछ करना है मैं कर सकता हूँ। यूवीज बहुत ही ईजी होते हैं अगर आप इन्हें समझो तो, ठीक है, और कभी कभी ऐसा लगे कि तो सेल देन अनफोल्ड कर दो आप यहाँ पे, ये ओह जब अनफोल्ड कुछ ऐसा हो जाए तो और समझ जाना भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है जहाँ पर चीज़ों को तो समय मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं वो इन सी
मोर एल सी एम, ओके मोर एल सी एम, ठीक है ये देखें यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मोर एल सी एम, ठीक है यहाँ से अनफोल्ड अनफोल्ड, ये ध्यान देना कि कुछ और ना जुड़ जाए यहाँ पे, कहाँ पे इधर से कौन सा पार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो मैंने एक काम किया डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ओके ठीक है, छोटे छोटे पार्ट यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे, डन डन, ओ ये कहाँ चला गया, ओ माय गॉड, ये भी समझना क्या, कभी कभी ऐसे भी कुछ चीज़ें अगर आपको मिल जाए तो बचना पड़ेगा यहाँ पर, अभी कौन सा पार्ट है, ऐसा तो यहाँ से मैंने क्या किया क्रिएट ही कर दिया मैंने यहाँ पे, क्रिएट ऑटोमेटिक फोकस करते हैं अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, तो कभी कभी ऐसा कोई एक पार्ट आ गया तो घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ये देखो यहाँ पे फेसेस फेसेस, ठीक है एजेस देखो यहाँ पे, एजेस कौन सा है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं ये देखो अनफोल्ड करता हूँ यहाँ पे, देखिए ये एजेस मुझे यहाँ से यहाँ तक, यूवीज देन अनफोल्ड, छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है इसको हम लोग वहाँ पे सेट कर देंगे, देखा पे ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया इसको W प्रेस कर दें यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं साइज क्या यहाँ पे, ठीक है हम लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे एजेस दिख रहे हैं, ये एजेस ये यहाँ पे हाय मूव एंड सी यू, ये इधर ना, तो इसको उठा के उधर ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसमें कुछ चीज़ों में ख़राब नहीं करना चाहता, तो मैंने यहाँ पे क्या किया ये विश टू सेल अल्फा इसके ये पैसे भी मैनेज कर सकता है, ठीक है एडजस्ट जोड़ो अब यहाँ पे मोवेंस यू, ठीक है ऐसा कुछ कर दिया हमने यहाँ पे, यहाँ से मुझे लगता है कि कुछ छूट गया, जोड़ दो यहाँ से ये लाइनें दिखे यहाँ पे मोवेंस यू, जितना उसके इनको जोड़ दो, चलो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हमने कर दिया ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो बस ये पूरा पूरा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ये पार्ट मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अगर देखो ये मुझे ऐसा कुछ काम करना भी है जिनको मैंने फेसेस को सेलेक्ट कर रखा है बहुत अभी चीज़ रखा है, यहाँ से मैं काम ये भी कर सकता हूँ कि मैंने क्या किया ट्रांसफॉर्म है क्रिएट में, अगर मैंने इसे क्या प्लानर कर दिया, प्लानर कैसा आ रहा है देखो, प्लानर में यहाँ पे क्या करते हैं जैसे यूवीज में जाते हैं तो यूवीज के अंदर प्लानर के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा एडिट में क्या रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे,
यहाँ पर मैं सिंपल एक्सेस चेंज कर देखो यहाँ पर, ये देखो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ गुड। ठीक है, और यहाँ पर फ्लिप कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, एंड देन अनफोल्ड एक बार ट्राई करके अनफोल्ड अगर सही आता तो है, मुझे ये नहीं चाहिए, वैसे ही नॉर्मली चाहिए, अगर अनफोल्ड में हर बार अनफोल्ड सही आएगा तो मुझे यहाँ पर अभी यहाँ पर फिलहाल में ऐसे जब मुझे ओपन करना तो ओपन करूँगा, फिलहाल मैं ओपन करने के उसमें नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया पार्ट में इसके साथ में मैं अरेंज कर दूँगा यहाँ सिक्स। ठीक है, साइज़ देखो साइज़ कहते हैं जैसे जैसा शेप है वैसे शेप का पौधा सा मॉडिफाई करते हैं आपको, ठीक है, ऐसे चीज़ को मैनेज कर दोगे तो आपको यहाँ पे काम आसान हो जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये भाई किधर कहीं आ गए इधर कहीं आ गए, आप इसे भी अगर लगता है नॉर्मल अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे भी जैसे देखें स्ट्रेट सेल। ओके, ऑलमोस्ट हमने सबको कवर कर दिया, अभी यहाँ पे क्या कर देना है यहाँ पे सिंपल, अभी यहाँ से कुछ चीज़ को तो मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैं मैनेज कर रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 4 and 5। ठीक है, इन चीज़ों को मैं तो उसमें मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया यूवीज देन लेआउट एंड लेआउट यूवीज। ओ ऐसे नहीं करना, लेआउट में फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेआउट में गया लेआउट ऑप्शन बॉक्स में जाओ, नहीं देखो एक अनफोल्डेड की लेगेसी है, लेगेसी वाले पे गए यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल में मुझे साइज सी है, मुझे यहाँ पे 2K देन मैंने यहाँ पे फुल स्क्वायर करना है, फुल स्क्वायर कर सकते हो अप्लाई करके देखो यहाँ पे, ये देखो ये आपका ऐसे आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसे भी काम करते हो तो भी आपका काम आसान हो जाएगा आपके यहाँ पर, देखिए ना कुछ चीज़ें बस ऐसे अलग से नज़र आइए, आप इनको चाहो तो जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, देखिए ना ये आप चाहो तो, देखिए ना कहीं डबल डबल पार्ट है तो आपको यहाँ पर जोड़ना हो तो जोड़ सकते हो, तो ये पार्ट में बस यहाँ पर जोड़ने वाला है तो मैं जोड़ सकता हूँ यहाँ पर, देखिए ना ये देखो पार्ट, तो सेल कर दिया मेरे को। कहीं एक ही तरफ यहाँ पे जा सकते हैं मेरे पापा, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया तो या तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मैं सेलेक्ट करके देता हूँ यहाँ पे, मेक श्योर अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, मूव एंड सेव कर दिया अपने यहाँ पे, कुछ चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया आ जाए, कुछ चीज़ बहुत ही मैनेज आ गया तो वेल एंड गुड है। देखो यहाँ पे ये छोटे छोटे पार्ट मुझे अगर लगते हैं तो और समझ लगता है कि भाई यू वीज टू सेल मेक से, देखो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं अगर यहाँ पर ला भी रहा हूँ ना तो कैसे मैनेज करें यहाँ पर, अभी ये पार्ट कहाँ का है, ये पार्ट भी आपका यहीं का है, देख रहे हैं कुछ कुछ चीज़ों का अगर मैं देखूँ मैं ये फेसेस में बस यहाँ पर मैंने लिया, ये देखो छोटा सा फेसेस यहाँ पर छूट गया है, किसका फेसेस छूट गया, यहाँ का फेसेस छूट गया यहाँ पर, ठीक है, ये देखो यहाँ का फेसेस छूटा ना, मैं ऐसे करके मैं यहाँ से अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे तो मुझे काम यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे हो जाएगा, देखो ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इतने पार्ट तक यहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ तक मेरा काम हो जाए तो देखो आप, ना तो ऐसे करके आप मैनेज कर सकते हो, छोटे छोटे पार्ट्स आप ऐसे मैनेज करना चाहते हो कर दोगे, देखा दिस वन अभी ये कहाँ का, देखो यहाँ का डबल दोनों को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, दोनों में से किसी एक को ही कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना, एक को मैंने क्या किया इसको डिसलेक्ट कर दिया मूविंग से तो अपने आप यहाँ पे ले लेगा, ये देखो छोटा सा पार्ट आपको कितनी मेहनत कराने वाला है, लाइक दिस वन यूवीज देखो हाई पॉली मॉडल अंडर करना कितना टाइम टेकन एंड कॉम्प्लिकेट पार्ट है यहाँ पे, इसको तो सर आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो यहाँ पे
मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे इसको भी छोड़ देने से, इसको मैंने यहाँ पे किया तो मुझे इसमें से भी कोई पार्ट नहीं चाहिए, तो मूव इनसे ही करूँ। ये देखो यहाँ पे चला गया, अब देखो ये जो पार्ट मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट करने पे मैं से ये एक पार्ट तो मुझे नहीं चाहिए, तो अगर मैं जोड़ूँगा यहाँ पे छोटा सा पार्ट, यहाँ देखो ना ये छोटा सा पार्ट, इसको भी मुझे नहीं करना। ये देखो यहाँ से ये कौन सा पार्ट जुड़ गया इसके साथ, तो उसको भी देखते हैं मूव इनसे। ये देखो जुड़ गया ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ से कोई एक ऐसा पार्ट हमसे जो जोड़ा वो कुछ ऐसा जोड़ा कि इसने यहाँ पे चीज़ों को ख़राब कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो आप इनमें से आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई एक ऐसा पार्ट आपने जो जोड़ा, आप यहाँ पे दोस्तों इन चीज़ों को दोस्तों कट कर सकते हो आप यहाँ पे। ये फेसेस किसका है, दिस वन फोर प्रेस कर देखो यहाँ पे, ये पार्ट आपका इधर है फोर एंड फाइव, तो इधर का पार्ट है ये, यहाँ से यहाँ तक एक यहाँ से कौन सी कनेक्टिविटी से इसने जोड़ दिया यहाँ पे। देखो इतने छोटे से पार्ट ने ये देखो यहाँ पे कैसे, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या एडजस्ट लिया, शिफ्ट एंड कट, काम खत्म। ये जो पार्ट है यहाँ पे इसको पहले उठाओ, इसको बाहर कर दो यहाँ पे, पहले इजी टास्क ही हो जाएगा। तो इससे भी दोस्त आइडिया क्या मिलेगा, मैं अभी देखो एडजस्ट में यहाँ पे गया, सेलेक्ट किया डिसलेक्ट ठीक है, मूविंग श्योर मेक श्योर सब कुछ ना चलाया ठीक है, इनको भी छोड़ दो फिलहाल है, मूविंग श्योर ठीक है। ये सोच समझ के जोड़ना है क्या यहाँ पे, छोटे छोटे पार्ट को अगर जोड़ते हो तो यहाँ पे बहुत छोटे पार्ट में भी थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो मूविंग सीव यहाँ पे मैंने क्या मूविंग सीव यहाँ पे देखो, मूविंग सीव करते हैं यहाँ पे, ये लो अभी ऐसे काम हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी देखना यहाँ पे अभी ऑल इज गुड। देखो यहाँ पे लेआउट लेआउट मेक श्योर ध्यान रखना क्या, अभी किसी भी काम कर देखो ये तो सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, स्टेट स्टाइल करते हो मेरे ख्याल ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे ठीक है। ये स्टेट स्टाइल किया तो ऐसा सीधे कर देते हैं यहाँ पे, जितने भी मैं यूवी के कमांड दूंगा ना उतना मेरी फाइल हैवी होती रहेगी, तो मुझे हमेशा रीसेट कर लेना है। रीसेट मतलब दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने कर दिया ठीक है, अभी फिलहाल मेरे पास यहाँ पूरा सेट मैंने कर दिया। जब मैं लेआउट कर लेआउट में देखो दो तीन चीज़ समझाता हूँ, अनफोल्ड जहाँ पर करता हूँ मेक श्योर एडिट एंड रीसेट, अनफोल्ड करते खुल जाएगा। देखो अभी ये खुला नहीं तो ठीक है, दिस इज़ गुड, अनफोल्ड में यहाँ पे कर रहा हूँ, फिर इसके साथ मैं एक दो ऑप्शन और भी दूँगा यहाँ पे। मैंने क्या सेल पैडिंग 0.5 एंड 0.5 करके देखना है यहाँ पे, देन ठीक है यहाँ पे मैंने क्या किया 2K कर दिया यहाँ पे ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चूँकि गैपिंग है ये गैपिंग आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे चूहे को मैं मैनेज कर देता हूँ, तो मेरे पास ये काम हो जाएगा यहाँ पे ठीक है। और पैकिंग डेजोशन 2048 ये मैंने कर दिया यहाँ पे ठीक है। इसके सिवाय मुझे अभी फिलहाल में यूनिफॉर्म करना है, फुल स्क्वायर करना है, तो फुल स्क्वायर ये तो सारा देखो टॉप हाफ बॉटम ये इन सबको अरेंज कर देता है क्या, तो ट्राई करोगे कर सकते हो, ये मैंने सेट कर दिया, तो मैं यहाँ पर भी काम खत्म। ठीक है ये देखो पूरा सेट कर दिया यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एन एच, यहाँ देखो अभी हमारा मॉडल अनरैप हो चुका है। मुझे यहाँ पे जो मॉडल मुझे जो देना है मैं इनको थोड़ा सा इनको इसको मैंने यहाँ पे क्या किया दोनों को मैं एक बार बाहर निकालता हूँ ये ऐसे करके, ताकि मेरे पास जो मैं अभी काम करने वाला हूँ मुझे कुछ ऐसे भी दिखे भाई, ब्लेड मेरे पास ऐसे निकलते हुए नजर आए ठीक है। अभी जैसे मुझे जो भी एक कलर देना है 4, 5 एंड 6 ठीक है, तो सबसे पहले काम मैं इसको जैसे जो भी चीज़ मैं मैनेज करने वाला हूँ
ठीक है, तो क्या मैं चेकर्स में बस बहुत बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे, चेकर्स के साथ में मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, तो ऐसा कुछ काम करना तो ठीक है। यहाँ देखो ये पार्ट में दिख रहा है यहाँ पे, अभी दिस वन एंड दिस वन समझ ना, इसको इसको मैं सिलेक्ट करके कंबाइन कर रहा हूँ। तो मैं जो भी चीज़ कंबाइन करूँगा ना यहाँ पे, एक एक करके पहले देखो, एक एक करके पहले कंबाइन करूँगा मैं, मुझे एक ही लेआउट में लेके जाना है ठीक है, दिस वन दिस वन ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, ऐसे मैंने किया कंबाइन, समझ ना, बाद में इसको यहाँ पे क्या करने वाला हूँ ठीक है। लेआउट मैंने लेआउट सेटिंग कर रखी है, अपने आप अरेंज होता जाएगा यहाँ पे ठीक है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे क्या स्विफ्ट एंड कंबाइन ठीक है, कंबाइन कर दिया यहाँ पे। कंबाइन करने के बाद यूवीज में क्या है, एंड स्विफ्ट एंड लेआउट यूवीज सब सेटल होते जाएगा यहाँ पे ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया, दिस वन स्विफ्ट एंड कंबाइन ठीक है। एंड देन मैंने यहाँ पे क्या किया, सब कुछ लग कर दिया मैंने, लेआउट एंड लेआउट रिव्यूज सब कुछ आपको प्रॉपर अरेंज होता है यहाँ पे देखो, सब कुछ चेकर्स भी मैच होते जा रहे हैं, ये चेकर्स मैच, सबका चेकर्स मैच ठीक है। आप यहाँ बच्चों को मैनेज कर सकते हो, आप यहाँ पे भी सपोज देखो, अभी यहाँ पे मेरे पास मॉडल मेरे पास प्रॉपर अनरैप हो चुका है ठीक है। तो मेरे पास एक मॉडल अनरैप हो गया, तो मेरे पास अब एक लेआउट भी रेडी हो गया यहाँ पे, सबका ये पार्ट यहाँ पे ठीक है। तो मेरा मॉडल यहाँ पे अनरैप हो गया, तो मैं फाइल एक बार सेव करूँगा, फाइल सेव एज ठीक है, अनरैप डन। एंड ये मेरा हाई पॉली मॉडल अनरैप हो गया। अभी मुझे यहाँ पे सब्सटेंस में लेके जाना, तो सब्सटेंस में लेके जाने के लिए मेरे पास पहला काम क्या है, अभी इसको मैं पे अलग अलग मटेरियल दूंगा यहाँ पे ठीक है। तो फेसिस ला कर दिया मैंने यहाँ पे देखो, दिस इज माई वन ऑब्जेक्ट ठीक है, फोर प्लस कर देखो तो आपको देखा, ये मेरे वन ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको एक अलग मटेरियल दिया। एक और भी काम कर लेंगे यहाँ पे, फोर एंड फाइव एंड सिक्स देखो यहाँ पे, सबसे पहला काम स्टेटस लाइन है मेरे पास यहाँ पे ठीक है, स्टेटस लाइन है मेरे पास यहाँ पे, ये स्टेटस लाइन यहाँ पे ठीक है। मैं अभी फिलहाल मैं रहता हूँ स्टैंडर्ड ठीक है, एक मैं यहाँ पे रेंडर भी लूँगा इसका ठीक है। रेंडर निकालो तो मैं सब रेंडर यहाँ पे दिख जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या काम करेगा, प्रॉपर अनरैप मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। तो मेरे यहाँ पे मॉडल रेडी हो गया अनरैप, देखो हाई पॉली मॉडल में टाइम भी लेकिन यहाँ से चीज़ों को तो दिखाया कि सब कुछ चेकर्स बहुत ही परफेक्ट है। तो मैं इसे ओके अप्लाई कर दिया, फाइल सेव एज इमेज, डेस्कटॉप पे मैंने क्या कर दिया अनरैप, डब्ल्यू आर पे अनरैप ठीक है। आपने यहाँ पे अगर मेरे पास फोल्डर है तो मैं यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी देन एंटर ऑन डब्ल्यू आर पे अनरैप डन। अभी मुझे मॉडल को जब सब्सटेंस पे लेके जाना हो तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डबल क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक करना साइन, मैंने यहाँ पे क्या किया लैम्बर्ट दिया ठीक है, राइट क्लिक कर मटेरियल एट्रीब्यूट यहाँ पे लैम्बर्ट जैसे जस्ट आप अलग अलग मटेरियल दोगे वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे फिलहाल में रेड दिया, रेड में ठीक है। अब मुझे किस पे मटेरियल अलग अलग देना है, फोर फाइव एंड सिक्स, मेक श्योर ये मेरे पास एक कलर है, मेक श्योर ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया असाइन, मैंने एक लैम्बर्ट यहाँ दिया, मैंने ग्रीन कलर दिया यहाँ पे ठीक है, समझ में आ जाएगा यहाँ पे। देन दिस वन एंड दिस वन असाइन लैम्बर्ट मैंने यहाँ पे ब्लू कर दिया यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है मुझे किसको क्या कलर देना है यहाँ पे। तीन मटेरियल रेडी हैं, तो मैं अभी इसको मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ ठीक है, फाइल देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एक्सपोर्ट कर देता हूँ। एक्सपोर्ट ओ वी जी लो एफ बी एक्स लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो ठीक है, मैं एफ बी एक्स ले रहा हूँ ठीक है। एक्सपोर्ट यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे फोल्डर में यहाँ पे रेडी कर देता हूँ यहाँ पे ठीक है। तो माया टू एस यू बी एस सब्सटेंस कर दिया मैंने यहाँ पे ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर ठीक है, माया टू एस यू बी सब्सटेंस यू डोटिया कटर। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूँ तो यहाँ पे मैं तो मैं मॉडल यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ पे सब्सटेंस में अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे सब्सटेंस में यहाँ पे आ गया ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, फाइल न्यू है, न्यू देखो न्यू पे है, न्यू पे मैंने क्लिक किया, मैं पहले सेलेक्ट में जाओ ठीक है, कंट्रोल वी देन एंटर यहाँ पे हमने ये लिया ठीक है,
मैटलिक यहाँ पे है 1K, हम लोग यहाँ पे 1K 2K कर देंगे, छोटा ऑब्जेक्ट है 1K भी चलेगा, लेकिन फिलहाल में 2K करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कंप्यूट टेंजेंट स्पेस, ठीक है, ऑटोमेटिक अगर अनरैप करना तो ये ऑप्शन भी होता है, ठीक है, आप करना चाहते कर सकते हो आप यहाँ पे, देन ओके किया मैंने यहाँ पे। ओके करते सबसे पहले क्रॉस चेक क्या करेंगे, देखो यहाँ पे टेक्सचर सेट यहाँ पे तीन अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, तो मैं तीन अलग अलग पार्ट में थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लूँगा भाई, मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना तो फिलहाल में कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास मुश्किल से 5-7 मिनट है, तो मुझे बहुत कम टाइम में चाहिए मैनेज करना है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, टेक्सचर सेट में पेक में गए सबसे पहला काम, नॉर्मल मुझे अभी मिलेगा नहीं क्योंकि नॉर्मल करना है नहीं, हाई पॉली मेरे पास है नहीं। ठीक है, आप इतने पार्ट का ले सकते हो, आपने यहाँ पे क्या किया, मैं अभी 1K इसमें करता हूँ ताकि मुझे जल्दी हो जाए। यहाँ पे बेकिंग में कोई ऐसा कुछ खास ऑप्शन नहीं है, डिफ्यूज़ ऑन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो कोई और चीज़ नहीं, जस्ट बेक कर दो आप यहाँ पे। तो बेकिंग में आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे कि आप क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई बेकिंग के बाद आपका लुक एंड फील यहाँ पे थोड़ा और लुक एंड फील बेटर देखें, यहाँ पे बी प्रेस करते हो, यहाँ देखो बी प्रेस करते हो, बी देखो आईडी मैप आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे रीड कर गया, यहाँ पे ये आईडी मैप हो गया बी यहाँ पे। अब चीज़ों को मैनेज करते हो आपके यहाँ पे आ जाएगा M4 मटेरियल, ठीक है, मटेरियल एंड स्मार्ट मटेरियल। ठीक है, अभी फिलहाल में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या कि मुझे स्टील चाहिए तो स्टील मैंने लिया, तो स्टील में यहाँ पर मैं उठा कर यहाँ पर डाल दो, तो यहाँ पर मुझे चाहिए बहुत बेटर दिखने वाली यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ प्रेस करके लाइट को आप यहाँ से दिखा सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर मुझे यहाँ पे चाहिए जस्ट प्लास्टिक, मैंने कहा प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक में मुझे यहाँ पे प्लास्टिक ग्लॉसी प्लास्टिक है, तो व्हाट आई वांट यहाँ से मैंने यहाँ पे दिया थे, ठीक है, तो बस प्लास्टिक में पार्ट देखेगा मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, प्लास्टिक में ब्लैक प्लास्टिक में चाहिए तो ब्लैक प्लास्टिक मैट में चाहिए तो मैं इसे उठा कर यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, ऑटोमेटिक एडिट कर लेगा आपके यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में आपको बताया कि कैसे कस्टमाइज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे मैं गया, मेरे पास ठीक है कटर है, कटर का कलर बस ग्रीन है, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ मेरे पास कहाँ पहले दिस वन, अब जिस पे भी जाओगे आपको बेस कलर आपको मिलेगा, देखो लेयर पे गए। ठीक है, मैं यहाँ पे स्विच करता हूँ Lambert 3, यहाँ देखोगे आपका ऐसे यहाँ पे, ठीक है Lambert 4, ठीक है दिख रहा है प्लास्टिक बेस कलर। अभी यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि भाई मुझे इमेज को अगर मुझे ओपन करके रखना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फोटोज़ पे गए, ठीक है फोटोज़ पे गए, यहाँ से मैंने तो ऐसे भी मैंने तो ऐसा मैंने मैनेज किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पिकर से ऐसे कलर पिक कर सकते हैं आप, मैंने कलर पिकर से ऐसे पिक कर दिया, ठीक है डन। तभी मुझे अगर चीज़ों को ऐसे दिखाना पड़े तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ फिर कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना, तो वो तो लैक ऑफ टाइम में मैं चीज़ों को तो उसमें मैनेज करूँ, तो मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं चीज़ों को ऐसे दिखा सकता हूँ कि मुझे चीज़ अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं मैनेज करके दिखा दूंगा। मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट है, बाकी टेक्सचरिंग के अंदर बहुत चीज़ हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे एक बेसिक से मैंने आपको टेक्सचर टेक्स दिया कि भाई ऐसा कुछ आप काम करना चाहो, ठीक है, तो चीज़ को आपको ऐसे मिलेगा। क्लियर ग्राउंड, ग्राउंड मुझे क्लियर करके अगर ऐसा कुछ दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ पार्ट आपको ऐसे यहाँ पर होता है रेंडरिंग के लिए, ठीक है, सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग को भी आप यहाँ पे जितने सैम्पल्स बढ़ाओगे वो उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। जैसे आपको कभी लगता है ना सर मेरे पास नॉइज़ आ रहा है, तो सैम्पल्स थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मिलेंगी, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम भी बढ़ेगा, ये रेंडरिंग का टाइम जब भी पूरा कैलकुलेट होगा तो देखेगा यहाँ पे, तो थोड़ा सा टाइम दोगे तो आपको सभी चीज़ आ जाएंगी यहाँ पे कि भाई कैसा अगर आपको काम करना है। ठीक है, आप यहाँ पे चीज़ों को कैसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है चीज़ों को कैसे यस। ठीक है, अब ये चीज़ हम लोग लाइक मेनली डिपेंड इसी पे करते हैं, मैं इस पे अगर मैं काम करता हूँ मुझे यहाँ पे क्या, जैसे मैंने इस पे दे रखा प्लास्टिक ग्लॉसिक दे रखा है यहाँ पे, कोई भी चीज़ मैंने यहाँ पे दे रखा, जैसे मेरे पास बेस कलर है उसको मैं कोई भी बाकी चीज़ करता हूँ मैं ऐड ऑन कर दूँ, सब चीज़ देखेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो भी काम किया यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मुझे जो भी एक पार्ट लेना है जैसे मैंने दिया यहाँ पे,
चीज़ें क्या है, कैसे हैं दुकान पर आपके सर प्रॉपर चीज़ें बहुत ही बढ़िया वे में देखिए, बस साइनिंग कितना है, किस तरह से आप मैनेज करके दिखाओगे तो आपका काम ईजी हो जाएगा सर। ठीक है, मेन चीज़ आपके दुकान पर आपको जो भी प्लास्टिक लेना है वो प्लास्टिक का देखो यहाँ पे बेस कलर आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, रस्ट लेना है, रस्ट ले लोगे आप यहाँ पे, जो भी आपको लाइक डॉट एड ऑन करना है, जो भी कुछ ऐड ऑन करना चाहो कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने यहाँ पे जैसे लिखा है, इसको मैंने क्लिक एंड ड्रैग किया इस पर, देखें यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे यहाँ पर काफ़ी चीज़ यहाँ पे देखो बेटर है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मैनेज किया भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है देखो यहाँ पे, चीज़ों को मैं मैनेज कर पे बस चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड भी करके देखा पे एज इट पॉसिबल यहाँ पे देखो देखो दिस इज़ गुड। ये थोड़ा सा पार्ट मैंने दिया भाई, मुझे दो चीज़ को मैंने ब्लेंड किया यहाँ पे, तो मेरे से चीज़ कैसे दिख रहे हैं या तो प्लास्टिक यहाँ पे मैं जो कलर है कलर को मैंने पिकर से यहाँ से मैंने पिकर से पिक कर दिया यहाँ पर, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें पुरानी भी दिखेंगे यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा पुराने में दिखा सकते हैं क्या, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ कर दें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा। ओके, मेरे को पे ऐसे करके आप चीज़ों को रेजिस्ट कर सकते हो, चीज़ों को फिक्स कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे दोस्तों कुछ पुराना ऐसा कुछ दिखाना है तो आप ऐसे भी काम करके मैनेज कर सकते हो क्या।